और मैंने एल की याददाश्त इसलिए मिटाई क्योंकि क्योंकि वो मुर्दा घर वापस जाना चाहती थी और मैंने तो बस उसकी मदद की। तुम्हें एक साथी लेना पड़ेगा। मैं अकेला ठीक हूँ। मैं बनूंगा इसका साथी। रुको, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, वरना जिंदगी भर चिट्ठियां बांटता फिरता। सूट निकाल के फेंक दो। बिल्कुल दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना अंदाज थोड़ा बदलना चाहता हूँ। पर ये कहना पड़ेगा कि इसमें थोड़ा पतला लगता हूँ, है ना? ऐसा नहीं है कि मादाएं मेरी तरफ आकर्षित नहीं होती हैं, पर इससे तो वो मेरी तरफ खींची चली आएंगी। वाह, क्या गाड़ी है! सीट मुलायम तो है ना? क्या है कि कभी कभी मुझे खुजली हो जाती है। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। विश्वरक्षक नहीं, कोई मामूली बंदा, इसमें छुपा है अंतरिक्ष का फलसफा। पूरे अंतरिक्षवासियों को मारना, यही हमारा सुबह शाम का धंधा। हमारा ये धंधा आजकल चल रहा मंदा, इसलिए दे दो हमें चंदा, वरना खाओ सर पे डंडा। फ्रैंक, चुपचाप अंदर आके बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। यस बॉस। फ्रैंक, क्या बताऊं दोस्त, मेरी जिंदगी में बहुत सी गर्लफ्रेंड्स आई, लेकिन पहली लंगड़ी थी, दूसरी अंधी थी, तीसरी काणी थी, चौथी बहरी थी। हसरत ही रही मेरे दिल में कभी कोई प्यार करता। फ्रैंक, तुम्हारी बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे? ठीक है, ठीक है। तो आप कड़क ऑफिसर नरम ऑफिसर बनते जाते हैं। तुम सर मरमी से पेश आना, मैं गर्मी से पेश आऊंगा। ओ नहीं नहीं नहीं, रुको। अच्छा ऑफिसर और बेवकूफ कुत्ता कैसा रहेगा? तुम बिल्कुल खामोश रहोगे। समझ गया दोस्त, मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा, खामोशी के राजेश खन्ना की तरह, एक शब्द नहीं कहूंगा। कोई सुराग मिला क्या? कोई सुराग मिला? फर्श और दीवार पर फास्फोरस मिला है। हमने जांच के लिए नमूने अभी अभी हेडक्वार्टर के लैब में भेज दिए हैं। लगता है इसने बरसों से खाना नहीं खाया था। सॉरी। गवाह, एक लड़की, उसने सब देखा, पूछताछ जारी है। तुम मेरी बात सुनो, मैं और कोई जवाब नहीं दूंगी जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता। मैं जानना चाहती हूँ यहाँ हुआ क्या। लगता है उससे मुझे ही बात करनी पड़ेगी। चलो बात करते हैं। तुम यहीं रुको, बोलने वाले कुत्ते को देखते ही वो और भी पागल हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करूंगा? किसी खंभे पर जाकर सूसू करो। सॉरी।